आप सभी ने कई क्लासिक गाने सुने होंगे, जैसे कि आज पिया मोहे अंग लगा लो जन्म सफल हो जाए, आजा पिया तोहे प्यार दूं लग जा गले के फिर ये मुलाकात हो ना हो। आपको लगता है कि इन गानों में व्हेन द हीरोइन सेड लग जा गले ऑल शी वांटेड वाज अ हग, तो क्या वो वाकई में चाह रही थी कि सिर्फ गले लगा जाए? ऑल शी वांटेड वाज अ हग, आई एम रियली। लेकिन ऐसा है ना कि इन गानों को म्यूज़िक इतना सूदिंग मिला है, इतना रोमांटिक सा, इतना मेलोडियस मिला है कि हम इन गानों को बड़ा पवित्र नज़र से हम देखते हैं। एंड ईच सॉन्ग इज़ अ लेजेंड एंड ईच सॉन्ग इज़ अ जेम। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर कोई सॉन्ग बहुत ही रॉन्ची और अनसेंसर्ड साउंड करता है तो उसका म्यूज़िक इज़ द कल्प्रिट। अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो मैं आज की शाम आपको ये साबित करके रखूंगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हम गाना लेते हैं, आई वुड हैव गॉन कंप्लीटली विद द फ्लो बट आई रियली वॉन्ट योर अटेंशन दिस बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज गोना बी इन्वॉल्विंग ऑल ऑफ यू। मैं जानता हूँ बहुत लोगों से मिलना जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, एक गाना है, आज बोतला खुल्लण दो दारो शारो खुल्लण दो विस्की का पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लण दो, पारी ऑल नाइट जी में दम है तो बंद करवा लो, जी में दम है तो बंद करवा लो। तो ये गाना बड़ा ही फेमस गाना है ऑफकोर्स, बट अगर आप सोचिए ये गाना हमको इस लगता है कि हमारा ध्यान गया इस गाने में कि ये थोड़ा सा रॉन्ची टाइप गाना है, बट अगर इस गाने की ट्यून ये म्यूजिक ऐसा होता तो आज बोतला खुलन दो। दारू शारू खुलन दो विस्की दा पैग लगा के, पैग लगा के विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुलन दो, सारी दुनिया पुलन दो, जी में दम है तो, जी में दम है तो, जी में दम, जी में दम, जी में दम। सोचिए आप कैसे किसी गाने को पूरा उल्टा कर दिया जा सकता है। तो ये गाना इतना नहीं लगता आपको रौंची अगर आप इस गाने की कंपोजिशन ऐसे सुनेंगे तो। आप आई हैव दिस वंडरफुल यंग क्यूट डूड अरमान, कम है क्विकली ताली अरमान वाले के लिए। क्या है वो चार बोतल वोड का, चार बोतल वोड का, काम मेरा रोज का, मेरा रोज का है ना, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। तो अब आप इतने मॉडर्न सिंगर हो, आप इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके थोड़ा सा धार्मिक बना सकते हैं, थोड़ा गजल फॉर्मेट में हो सकता है, गजल में कीजिए। अनुप जरोड़ा जी हमें मौजूद है, गजल के हमारे एक्सपोनेंट, भजन और गजल के एक्सपोनेंट बैठे हुए। चार बोतल वोडका, अच्छा बेटा तैयार है, काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोका, चार बोतल Fantastic, a big fan of Arman. अभी मैं बुलाऊंगा एक ऐसे, मतलब यहाँ नहीं बुलाऊंगा, आई वॉन्ट हिम टू बी अराउंड देयर, बट ही इज वो हमारे बहुत सारे म्यूजिक फेडरेटी के जो वाकई में सच्चे फॉलोअर्स हैं उनके वो महागुरु टाइप हैं वो, और इतने शरीफ, इतने अच्छे, इतने मृदुभाषी पर जब गाते हैं तो वो एकदम खुर्राट की तरह गाते हैं। अ बिग हैंड फॉर द लेजेंडरी श्री सुरेश वाडकर जी, सिटी के बुद्धे। आई एम सॉरी आपसे मैं काम कराने वाला हूँ सर, बिग हैंड फॉर सुरेश जी। आई सर माइक्रोफोन, हाँ पोते जी। सर एक बहुत बड़ी बंदिश आपसे गाने के लिए कह रहा हूँ मैं, पिया तू अब तो आ जा।
राग घटोत्कच पियाव तो आजा पियाव तो आजा पियाव तो आजा आगे क्या शोला सा मन भड़ के शोला सा मन भड़ के अब तो प्यास बुझा जा अब तो प्यास बुझा अब तो आ अब तो आ अब मैं बुलाऊंगा यहां पर एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ये भी झांसी की रानी है एक्चुअली बहुत झांसी की रानी टाइप है ये इनका नाम है सपना मुखर्जी जी आइए जल्दी जल्दी आइए फटाफट आइए सपना जी यहां पर आइए आपने तो वैसे ही गाना ऐसे गाया है जो कि एक जमाने में लड़की को छेड़ने के लिए इस्तेमाल में आता था ओए ओए अब ओए ओए को जरा गीता दत्त जी के रूप में कोई प्रस्तुत कर दो आपकी फेवरेट सिंगर है गीता दत्त जी या कुछ भजन नुमा कर दो या कुछ ऐसा कर दो ताकि इनको मालूम पड़े कि ओए ओए गाने के साथ में भी श्रद्धामय होके देखा जा सकता है तिरछी टोपी वाली श्रद्धा भी पंडित नहीं बाबू भोले वाले तिरछी टोपी वाले तिरछी टोपी वाले तिरछी टोपी वाले बाबू भोले वाले ओए 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 ओ आ थैंक यू सो मच हाँ जी थैंक यू वेरी डिफिकल्ट कि वो गाना मैं भजन में गाऊं कर दिया आपने आज तो अब आपको सब पकड़ेंगे थैंक यू भजन बना दिया हुए का एक बहुत ही शरीफ गाना जैसे संदेश आते हैं संदेश आते को अगर रौंची करना हो तो कैसे करेंगे हाँ संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कहो कब आओगे कहो कब आओगे आओ ना